गूगल एड्स के अंडर इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर। बेसिकली जब भी आप कोई एड रन करते हैं तो आपको क्या करना होता है, कीवर्ड के हिसाब से, कीवर्ड इज बेसिकली सर्च टर्म, कि क्या लोग सर्च करेंगे तब आपका एड दिखाई देगा। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से मैं सर्च करता हूं यहां पर लेट्स सी फोटोशॉप कोर्सेस ऑनलाइन। अब यहां पर मुझे ये एड दिखाई दे रहा है, 1 2 3 एंड यस, ये तीन एड जो दिखाई दे रहे हैं ये इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने सर्च को यूज किया है। अगर मैं इसे मॉडिफाई कर दूंगा तो शायद इनमें से एक भी ना दिखाई दे या एक आधी दिखाई दे। लेट्स से फोटोशॉप कोर्सेज की जगह फोटोशॉप कोर्स कर देते हैं, तो अब यूडमी तो दिख रहा है, बाकी के जो दो ऐड हैं वो चले गए हैं, राइट। अब हम इसको कर देते हैं फोटोशॉप कोर्स इन दिल्ली। अब यहाँ पर वो यूडमी का ऐड भी चला गया है। तो ये जो चीज है जिस जो हम सर्च करते हैं ये होता है सर्च टर्म, जिसको कीवर्ड कहते हैं, राइट। तो आप कैसे बेस्ट कीवर्ड चूज कर सकते हैं, कैसे कीवर्ड ढूंढ सकते हैं, वो सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने एड अकाउंट में लॉगिन करना है, साइन इन। ये साइन इन हो रहा है। अब जब भी हम कोई एड क्रिएट करेंगे तो उसमें कीवर्ड तो हमें टारगेट करनी है, बाकी कीवर्ड प्लानर को आप पर्टिकुलर एक्सेस करना चाहते हो तो वो टूल्स में प्लानिंग के अंदर आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूज कैसे करना है। जैसे हम न्यू कैंपेन में गए, वेबसाइट ट्रैफिक, सर्च टाइप, तो अपने बिजनेस की वेबसाइट दे देनी है, ये हमने वेबसाइट दे दी, कंटिन्यू, डिस्प्ले नेटवर्क, इसको एज इट इज अभी हम रख रहे हैं, बजट रख देते हैं जिससे कि ये ऐड चल जाए। आगे जाते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। जब हम एड्स के सेक्शन में आ जाएंगे यहां पर एड ग्रुप वन, तो यहां पर हमें कीवर्ड्स पेस्ट करने, एक लाइन में एक, और वही कीवर्ड बेसिकली जब वो कीवर्ड सर्च किए जाएंगे गूगल पर तो हमारा ऐड ट्रिगर होगा, वो ऐड हमारा दिखाई देगा। अब कीवर्ड्स को भी लिखने का तरीका है, पहले तो मैं आपको कीवर्ड दिखाता हूँ। मान लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो पहले हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इस पर ऐड काफ़ी सारे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6 7, मतलब कॉम्पिटिशन काफ़ी है, एंड दिल्ली 1 2, इमीडिएटली कॉम्पिटिशन 3, तीन ऐड रह गए, कॉम्पिटिशन कम हो गया, एंड नोएडा तो एक भी ऐड नहीं है, यहां पर है 1 2 3, तीन ऐड है। अब इसको अगर हम सर्च करते हैं लेट्स से इंदौर, तो क्या कोई ऐड है, सिर्फ एक ऐड है, राइट। एंड इसको कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर, तो अब हमें कीवर्ड सर्च करने हैं, राइट। तो कीवर्ड देखिए, सबसे पहले तो जब आप आपका जो सर्च टर्म है ये अभी हम हटा देते हैं, रिमूव जो हमने सर्च किया है, जब हम वो लिखते हैं तो इमीडिएटली यहाँ पर सजेशंस आने लगते हैं। तो एक तो ये आपको पता चल गया कि ये कीवर्ड है जो पॉपुलर है, आप यहाँ पर सबसे पहले पहला कीवर्ड लिखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब इसके बाद हमें कीवर्ड ढूंढने हैं, तो एक तरीका ये, हम यहां पर लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड एंटर प्रेस किया है। एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर हमारे पास सजेशन आ जाएंगे कि ये भी कीवर्ड है जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, राइट। तो जैसे कि हमें ये वाला डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, प्लस क्लिक करना है, ये कीवर्ड यहां आ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, ये आ गया। तो ये
हमारा जो कीवर्ड है यहाँ पर हमने ये डाल दी है, राइट। अब कीवर्ड में तीन चीजें होती हैं जो नीचे आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, एक है ब्रॉड मैच, एक है फ्रेज मैच, एक है एग्जैक्ट मैच। इसके बारे में आपको सीखना है, जरा हम यहाँ क्लिक करते हैं जिससे आप सीख पाएंगे। तो ब्रॉड मैच का मतलब ये होता है इफ योर कीवर्ड इज वुमेन्स हैट, अगर आपका मान लीजिए कीवर्ड है ये कि भी वुमेन हैट जो है वो आपका कीवर्ड है, और अगर कोई सर्च कर रहा है लेट्स से बाई लेडीज हैट या वुमेन्स स्कार्फ, वो भी आपका ऐड देख सकता है क्योंकि आपकी जो टारगेटिंग है वो ओपन है, ब्रॉड है, राइट। इसके बाद आ जाता है फ्रेज मैच। तो फ्रेज मैच क्या है, और लेट्स से एग्जाम्पल यहां पर देखिए, सो बेसिकली यहां पर क्या है, यहां आपको अगर आपने एक फ्रेज लिखी वुमेन्स हैट, तो जिस भी लाइन में ये शब्द होगा ये पूरा होना जरूरी है, तब आपका ऐड दिखाई देगा, बाकी किसी पे नहीं दिखाई देगा। मतलब लेट्स से अगर किसी ने सर्च किया शो मी गुड वुमेन हैट्स, तो ये आपका ऐड दिखाई देगा, बट उसने लेट्स से सर्च किया शो मी हैट्स फॉर लेडीज, तो आपका एड नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गया फ्रेज मैच, कि अगर ऊपर नीचे आसपास कुछ भी है लेकिन अगर ये आपने जो कीवर्ड डाला है वो सेंटेंस का पार्ट है तो दिखाई देगा। और तीसरा होता है एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या होता है, ये देखिए, एग्जैक्ट मैच का मतलब मेनली ये है कि जब आप सर्च करेंगे जैसे वुमेन्स हैट, तो वुमेन्स हैट जब सर्च किया जाएगा तब सिर्फ वही दिखाई देगा। एग्जाम्पल ब्रॉड मैच, कीवर्ड है वुमेन्स हैट, तो ये सारी सर्चेज में भी वो दिखाई देगा, जैसे कि बाई लेडीज हैट, वुमेन्स क्लोदिंग, राइट, उसके वेरिएशन। फ्रेज मैच, तो यहां पर क्या होगा, हल्का सा भी यहां देखिए और ज्यादा की टारगेटिंग हो गई, ब्लू वुमेन्स हैट, तो वुमेन्स हैट आ गया यहाँ पर, या बाई हैट्स फॉर वुमेन, तो वुमेन और हैट्स दोनों आ गए, ठीक है। एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच में अब यहां पर क्योंकि वुमेन का डिफरेंट जो दूसरा सिनोनिम है वो लेडीज है, इसलिए है सेम यहां पर वुमेन्स हैट, लेडीज हैट, हैट्स फॉर वुमेन, हैट्स वुमेन, जो बिल्कुल जो एग्जैक्ट मैच है वही सिर्फ वहां पर आपका ऐड दिखाई देगा। एक और चीज होती है जिसको कहते हैं मॉडिफायर, जो आपका ब्रॉड मैच है, जो ओपन मैच है, ब्रॉड मैच मतलब आपके कीवर्ड से ब्रॉडली जो रिजल्ट मैच करते हैं उसमें आप कीवर्ड के आगे प्लस, अच्छा ये लिखने का तरीका क्या है कि ब्रॉड मैच में आपको सिर्फ कीवर्ड लिख देना है जैसे हमने यहां पर लिखा, लेकिन अगर आपको फ्रेज मैच लगाना है तो कीवर्ड को आपको ऐसे लिखना है इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो ये हो जाता है फ्रेज मैच। अब एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करना है, एग्जैक्ट मैच के लिए हमें क्या लगाना है, यहां पर ये ब्रैकेट लगा देना है, ये वाला जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है ये लगा देंगे, तो ये हो गया एग्जैक्ट मैच। इसके अलावा एक और चीज है, वो है मॉडिफायर। मॉडिफायर मतलब कीवर्ड के आगे जो भी वर्ड है उनके आगे आप प्लस लगा दीजिए, तो उससे क्या होगा, जो उसके क्लोज वेरिएशन है लेकिन सेम मीनिंग है उनमें आपका ऐड दिखाई दे जाएगा, राइट। तो बेसिकली करना क्या है आपको, प्लस 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 कि भैया ये तीनों शब्द होने चाहिए, इनके आगे पीछे कुछ भी हो, राइट। तो ये है कि कीवर्ड आपने लिखने कैसे हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। अब आपको डिसाइड करना है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कि लोग कैसे सर्च कर रहे हैं, उसके लिए अब आप क्या करेंगे, आप चले जाएंगे यहां पर प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर के अंडर, राइट। यहां पर हमें दोनों चीजें मिलती हैं, एक तो ये जो कीवर्ड हम यूज करना चाह रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या है, राइट, वॉल्यूम इन द सेंस कि कितने लोग उसे एक महीने में सर्च करते हैं। दूसरी चीज वापस आ जाते हैं, हमने कीवर्ड प्लानर, तो यहां पर दो चीजें, एक तो आप नए कीवर्ड भी ढूंढ सकते हैं और उसके अलावा आपको सर्च वॉल्यूम का फोरकास्ट भी मिलेगा कि इस कीवर्ड में कितने सर्च वॉल्यूम होता है, ये कितने सर्च किए जाते हैं एक महीने में,
तो पहले सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट देख लेते हैं। ये हमारा कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स गेट स्टार्टेड, और अभी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है कहाँ के लिए, इंडिया के लिए। मैक्सिमम क्लिक पर कॉस्ट ₹17.50 सजेस्टेड है, 6594 क्लिक एक महीने में, 65,000 लोग देखते हैं सर्च रिजल्ट, तो ये पता चल गया हमें, राइट। अब हमें करना क्या है, हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं, इंडिया में नहीं देखना चाहते हम, देखना चाहते हैं लेट्स से दिल्ली, तो दिल्ली में टारगेट करते हैं, इंडिया में हटा देते हैं, दिल्ली का रिजल्ट मिल जाएगा। तो दिल्ली में कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 570 लोग क्लिक कर रहे हैं एक महीने में, और लगभग 6,000 लोग सर्च कर रहे हैं, राइट। अब हमें इससे रिलेटेड कीवर्ड के आइडियाज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड, और यहां लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स गेट रिजल्ट। अब यहां दिल्ली इंडिया में जो जो पॉपुलर है 1171 कीवर्ड आइडियाज हैं। सिंपली आपको करना क्या है, बेस्ट तरीका जो मैंने पहले भी बताया था कि जहां पर कोशिश करिए कंपटीशन लो है लेकिन रेलेवेंट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंपटीशन लो है तो कुछ भी आप टारगेट कर दोगे, रेलेवेंस होना चाहिए कि भी आपके सब्जेक्ट से, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है और मंथली सर्चेज भी आ रही हैं उस पर। उसके बाद आप देखते हैं कि कॉम्पिटिशन लो है, जैसे कि यहाँ पर हाई है, और लेट्स सी लो मार्केटिंग सर्टिफिकेशंस, लो यूडमी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ब्रॉड कर देते हैं, नियर मी मीडियम, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लो, ₹5 बिड है, तो ये बहुत अच्छा है। तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि बिड कम है, कंपटीशन लो है, वो आपके लिए शुरुआत में बेस्ट कीवर्ड होंगे, जिनसे आपको कि आपके मनी की वैल्यू मिलेगी, और आप चाहें तो इन कीवर्ड्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड कर लीजिए, एक्सेल में पूरी फाइल आ जाएगी सारे रिकॉर्ड के साथ। बाकी कीवर्ड्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल गई है, आप डेफिनेटली हमें रीच आउट कर सकते हैं। ऑल राइट।